Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दरार को बहुत बड़ी रिलीफ मिली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब के खिलाफ जो तोशाखाना केस में इमरान खान साहब और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी उनके खिलाफ सजा मुअत्तल हुई है और जमानत हुई है। पूरी कौम को खुशी मिली है, लेकिन सवाल भी खड़े हुए हैं कि इमरान खान साहब का इतना टाइम कौम का क्यों जाया किया गया और वो शख्स जिसके एक दस्तखत पे करोड़ों रुपए लोग निछावर करते हैं, कभी शौकत खानम के नाम पे, कभी नमल यूनिवर्सिटी के नाम पे, क्या करप्ट हो सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक फैसला आया है जिससे उम्मीद बंदी है कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब को साइफर के झूठ के पलंदे से भी निजात मिलेगी। अल कादर ट्रस्ट क्या है? देखिए, आपके साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट का मतलब ये होता है एतमाद, वो उसके बेनिफिशरी नहीं है। और अल कादर एक यूनिवर्सिटी बनेगी जिसमें आपके हमारे बच्चे तसव्वुफ पढ़ेंगे, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमईन के बारे में पढ़ेंगे, अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम और साथ में वलीउल्लाह हज़रात के बारे में वो पढ़ेंगे। एक ऐसे रिफाई, एक ऐसे दीनी काम के खिलाफ आपने, इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो आपने ये किया। इंशाल्लाह जिस तरह कल पेशावर के अवाम निकले हैं और इमरान खान साहब पे एतमाद का इजहार किया है, आपने आज देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट से जो सुओ मोटो नोटिस लिया गया, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि अगर मोहतरम चीफ जस्टिस साहब पहले दिन ही ये ले लेते तो इतनी बड़ी कंट्रावर्सी क्रिएट ना होती। और ये अच्छा हुआ कि किसी कमीशन से हमें निजात मिली है, क्योंकि किसी भी केस को खुडे लाइन करने के लिए आसान तरीका यह है कि उसको आप किसी कमीशन के सपर्द कर दें। दूसरी बात यह है, पार्लियामेंट में हम खड़े हैं, मैं मोहतरम स्पीकर साहब से एहतराम का रिश्ता है क्योंकि वो बाकी अपने साथियों की तरह शायद फॉर्म 47 वाले नहीं है, लेकिन इतने बड़े फॉर्म 47 की हुकूमत के सामने बैठ के मैं उनसे पूछना चाहता हूं स्पीकर साहब से बसद एहतराम कि मैंने और मोहतरम हमारे चीफ विप आमिर डोगर साहब ने एडजर्नमेंट मोशन मूव की कि इन 6 जज हजरात ने जो लेटर लिखा है इस पे इस कौमी असेंबली में डिबेट हो, डिस्कशन हो, ताकि जो उनका प्रोटेक्शन चाहिए उस पे पार्लियामेंट हुकूमत को डायरेक्शन दे। और मत भूलिए, अगर किसी को इलम नहीं है, कानून साजी यहां होती है, आईन साजी यहां होती है। और जितने मोहतरम जज साहिबान हाई कोर्ट में आते हैं या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या फिर परमानेंट होते हैं, उसका आखिरी फोरम पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट की जजेस कमेटी से तौसीक के बाद ही कोई जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का परमानेंट जज बनता है। मैं खुद उस कमेटी का 3.5 साल मेंबर रहा, इसलिए यह इस पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है कि जज साहिबान को प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि जिन जज साहिबान को आखिरी लेवल पे जाके पार्लियामेंट के दस्तखत से उनको अपनी सीट मिलती है, तो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि अपने मोहतरम जज साहिबान को प्रोटेक्शन दे। और आईन का जो प्रियम्बल है उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आर्टिकल 2A है वो इंश्योर करता है कि अदलिया की जो गैर जानबदारी इंडिपेंडेंस उसको इंश्योर किया जाएगा। तो आज अगर इस पार्लियामेंट से जजेस को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो कहां से मिलेगी? इसलिए हम ये समझते हैं कि एडजर्नमेंट मोशन लेना चाहिए था, नहीं लिया, हम दोबारा मूव करेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।